शारदा विद्यापीठ मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच भगत सिंह कॉलोनी की इंचार्ज हूँ। नोबल फाउंडेशन 36 स्कूलों में 5100 जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहा है। बच्चों, आपने कोरोना नाम की महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखना है। आपने अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है और नित्य ही योगा का अभ्यास करना है। बाबा रामदेव 7:55 से लेकर 8:30 तक इंडिया टीवी पर योगा का अभ्यास करवाते हैं। तो बच्चों, आपने भी योगा का अभ्यास करना है। आपने घर के ही कपड़ों में योगा करना है और अपने टीचर्स को योगा की फोटोज भेजनी है। आज 8 जून 2020 है, आज सोमवार है। तो बच्चों, आज आपको इंग्लिश का टास्क दिया जाएगा। बच्चों, आपके पास पहले किताबें नहीं थी तो आपको ग्रामर का काम करवाया जा रहा था। अब जबकि आपके पास बुक्स हैं तो हम आपको बुक्स के लेसन समझा रहे हैं। लेसन की बैक एक्सरसाइजेस आपको PDF फाइल के रूप में भेजी जा रही हैं। बच्चों, अगर आपको कोई लेसन समझ में नहीं आ रहा है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है या कोई सवाल मुश्किल लग रहा है तो आप अपने टीचर को कॉल करके पूछ सकते हैं। अब जो होम टास्क दिया जा रहा है वो क्लास नर्सरी के लिए है। बच्चों, आपको आज समझाएंगे व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है बी, तो बी जो है इस अल्फाबेट के पहले कौन सा अल्फाबेट आता है और बाद में कौन सा आता है, ये मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाऊंगी। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है बी, बी के पहले बिफोर, बिफोर आया है ए, तो हम यहां पे लिखेंगे ए। अब बी के बाद में कौन सा अल्फाबेट आता है, देखिए यस यहां पे है सी, तो हम यहां पे लिखेंगे सी। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं सी पे। सी से पहले, पहले बी, तो हम यहां पे लिखेंगे बी, और सी के आफ्टर इसके बाद डी, तो हम लिखेंगे डी। नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा डी, तो डी से बिफोर यस सी, और डी के बाद में ई, तो हम यहां पे लिखेंगे ई। नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है ई, तो ई से पहले बिफोर हम लिखेंगे डी, और ई के बाद में अल्फाबेट आता है एफ, है ना इजी। अब हम आते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट पे, एफ, एफ से पहले ई यस, और एफ के बाद जी, तो हम यहां पे लिखेंगे जी यस। नेक्स्ट है जी, जी से पहले एफ, और जी के आफ्टर बाद में, बाद में हम लिखेंगे एच यस। अब इसके बाद है एच, एच के जो पहले आता है अल्फाबेट वो है जी। ठीक है बच्चों, और बच्चों एच के बाद आफ्टर क्या है आई, तो हम यहां पे लिखेंगे आई। ठीक है, और अब नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा आई, आई से बिफोर, पहले, पहले क्या है एच, तो हम यहां पे लिखेंगे एच यस। अब आई के आफ्टर बाद में क्या है जे, तो हम यहां पे लिखेंगे जे। ठीक है बच्चों, इजी था ना। तो बच्चों, आपने अपने घरों में होम टास्क करना है जो कि हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। आप सभी ने व्हाट कम आफ्टर एंड बिफोर क्लीन अपने अपनी कॉपियों में करना है। अब जो होम टास्क है वो क्लास LKG के लिए है। बच्चों, आपने कर्सिव स्मॉल लेटर्स लिखने हैं फ्रॉम ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी U V W X Y Z। बच्चों, आपने कर्सिव स्मॉल लेटर्स अपनी कॉपियों में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।
जो नेक्स्ट टास्क है वो यूकेजी क्लास के लिए है। यूकेजी क्लास में कर्सिव कैपिटल लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड लिखने हैं। बच्चों आपने ये लेटर्स लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, और आपने बहुत ही साफ काम अपनी बुकनी कॉपियों में करना है। जो नेक्स्ट होम टास्क है वो क्लास फर्स्ट के लिए है। फर्स्ट क्लास, पिछली बार आपने चैप्टर वन किया था, आप लोगों ने अपने लेसन साथ साथ में ही लर्न भी करने हैं। आज आपका चैप्टर टू है मोनूज डॉग। मैं आपको इसकी थोड़ी सी समरी समझा देती हूँ। मोनू के पास एक पेट डॉग होता है, पालतू जानवर होता है। मोनू ने उसका नाम ब्रूनो रखा है। वो उसको रोज ही ब्रेड बिस्किट्स खाने के लिए देती। एक दिन की बात है कि उनके घर में चोर आ जाता है। उस वक्त मोनू जो है वो घर में अकेली होती है। उसकी माँ बाजार सामान लेने गई होती है। जो मोनू है वो सो रही होती है, तो ब्रूनो भी उस वक्त सो रहा होता है। तो ब्रूनो जो है उसको पता चल जाता है कि घर में कोई आया है, तो ब्रूनो जो है वो जोर जोर से थीफ के ऊपर भोंकने लग जाता है। थीफ उसकी आवाज़ सुनकर भाग खड़ा होता है। ब्रूनो भी उसके पीछे पीछे भागता है। वो उसकी लेग पर काट लेता है। इसकी आवाज़ सुनकर मोनू भी उठ जाती है और अपने नेबर्स को बुलाती है। इस तरह से उनका जो थीफ है वो पकड़ा जाता है। बच्चों आपको इसकी मैंने समरी समझा दी है। हमने इसके वर्ड मीनिंग्स और इसकी जो बैक एक्सरसाइज है उसकी हमने आपको पीडीएफ फाइल जो है वो बनाई है, जो कि हम आपको पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप कर देंगे। आप सभी ने अपनी अपनी कॉपियों में ये काम कर लेना है। नेक्स्ट होम टास्क है क्लास सेकंड का, लेसन नंबर टू, द लाइन एंड द माउस। इस स्टोरी में क्या है कि जून का मंथ था, एक शेर पेड़ के नीचे सोया हुआ था। वहां पास में ही बिल में एक चूहा रहता था। चूहा अपने बिल से बाहर आया और वो शेर के ऊपर कूदने लगा। जो शेर था अब वो उठ गया, उसको गुस्सा आ गया। उसने अपने पंजों में चूहे को पकड़ा और बोला, तूने मुझे उठा दिया है। और जो माउस था, चूहा था, उसने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो शेर कहता, नहीं मैं तो तुझे खा जाऊंगा। तो इस पर चूहा कहता है, प्लीज मुझ पे दया कीजिए, मैं शायद किसी ना किसी दिन आपकी सहायता अवश्य करूंगा। शेर हंसने लगा और उसने हंसते हुए उसको छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वहां पर एक शिकारी आया। शिकारी ने अपने जाल को फैलाया, उस जाल में वो शेर फंस गया। शेर ने बहुत कोशिश की कि वो जाल को तोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने गर्जना शुरू कर दिया। अब माउस ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो उसकी हेल्प के लिए आ गया। आपको पता है बच्चों, माउस के जो तीत होते हैं बहुत ही तेज होते हैं। उसने फटाफट से रोप को काट दिया। अब जो शेर था वो आज़ाद हो गया। उसने चूहे की मदद के लिए उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। इसका जो हमें इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बच्चों इसकी भी जो वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर है, फिलअप्स, ये जो भी इसकी बैक एक्सरसाइज है, ये आपको पीडीएफ की फाइल के रूप में आपको होम टास्क में भेज दिया जाएगा। बच्चों आपने जो है साथ में ही लेसन्स को लिखना भी है और उनको याद भी करना है। आपने साथ साथ अपना जो है टास्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट होम टास्क जो है वो क्लास थर्ड के लिए है। बच्चों आपका सेकेंड चैप्टर है द टॉकिंग केव, बोलने वाली गुफा। इसकी मैं आपको स्टोरी शॉर्ट में समझाती हूँ। इस स्टोरी में क्या है, एक शेर होता था जो कि जंगल में रहता था। शेर छोटे छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था। एक दिन सनसेट हो गया, मतलब सूर्योदय हो गया, शाम का समय था। उसको एक गुफा दिखाई दी। उसने ये सोचा कि कोई जानवर इस गुफा के अंदर रहता होगा। उसने सोचा, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ और वो जानवर जब भी वापस आएगा तो मैं उसको खा लूंगा। कुछ समय के बाद उस गुफा का मालिक आया, वो एक सियार था। सियार देखता है कि गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान थे, तो वो सोचने लगा, जरूर इसके अंदर कोई जानवर गया होगा। उसने फिर एक उपाय सोचा। उसने कहा कि ओ केव, हे गुफा, तुम आज बोल ही नहीं रही हो, मैं जब भी आता हूँ तो तुम मुझे
वो मुझसे बात करती हो। तो शेर ने ये सुना और उसने सोचा कि अगर मैंने इससे बात नहीं की तो सियार यहाँ से चला जाएगा और मैं इसको खा नहीं पाऊंगा। तो शेर क्या करता है, ऊंची ऊंची दहाड़ने लगता है। जो हंगरी लॉइन होता है वो अंदर बैठा सियार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सियार तो बहुत चालाक था, वो अंदर नहीं गया। उसको समझ में आ गया कि इस गुफा के अंदर जो है शेर बैठा हुआ है, और वो जो मूर्ख शेर होता है वो धीरे धीरे गुफा से बाहर आता है, लेकिन वहाँ बाहर उसको कुछ भी नहीं मिलता, वो भूखा प्यासा वहीं पे बैठा रह जाता है। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय होशियारी से काम लेना चाहिए। बच्चों, इसकी भी बैक एक्सरसाइज जो है उसकी हमने आपको सॉल्व करके उसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, फिलअप ये सब दिए हैं, जो कि आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे, आपको पीडीएफ फाइल के रूप में हम भेज देंगे। नेक्स्ट होम टास्क है वो क्लास फोर्थ के लिए है। फोर्थ क्लास आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब होता है सजा। इसकी स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। इसमें क्या है बच्चों कि एक जंगल में एक सभा का आयोजन होता है। उस सभा में बहुत सारे जानवर भाग लेते हैं। इस सभा का जो जज होता है वो एक मंकी होता है, बंदर होता है। इसमें जो मेन जो जिसपे उन्होंने आरोप लगाए होते हैं वो एक लकड़ी काटने वाला एक आदमी होता है, जो कि कटघरे में खड़ा होता है। उस पर हर एक जानवर कई तरह के दोष लगाते हैं, जैसे कि ट्री जो पेड़ होता है वो अपनी शिकायत लेता है कि ये मुझे बहुत काटता है और मुझे बड़ी बार हानि पहुंचाता है, जिससे मुझे दर्द भी होता है। इसी तरह से हाथी भी अपनी शिकायत लेकर आता है, वो कहता है कि ये जो आदमी है ये बहुत ही क्रूर हैं, इनमें दया नहीं है, ये लोग हमें मारते भी हैं और हमें खाने के लिए भी नहीं देते, ये हमसे भार भी धोने को कहते हैं। ऐसे ही सभी जानवर जो हैं अपने अपने जो हैं दोष जो हैं वो उस आदमी पर लगाते हैं, जैसे कि हॉर्स और ऑक्स भी कहते हैं कि ये हमें बहुत मारता है और हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं देता। बच्चों, इस पूरी स्टोरी में ये समझाया गया है कि आदमी जानवरों से हर तरह का काम लेता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें मारता है, खाने के लिए नहीं देता, ना ढंग का उनको खाना मिलता है, ना ढंग से वो उन्हें रखता है, वो सिर्फ अपना काम उनसे करवाता है। तो एंड में क्या होता है कि उस आदमी को सजा ये दी जाती है कि उसको जब भी कोई पेड़ काटना होता है तो उसको नए और भी पेड़ लगाने होते हैं और उनको बढ़ने में उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। इससे कि क्या होगा, जो एयर है, हवा है, वो साफ हो जाएगी और जो हमारा वातावरण है वो पॉल्यूशन से मुक्त हो जाएगा। उस आदमी को इस तरह से ये पनिशमेंट दी जाती है। बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों को, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बहुत सारा काम करते हैं। पेड़ पौधे हवा को साफ रखते हैं और जानवर भी हमारा बहुत सारा काम करते हैं, इसलिए हमें भी उनके फ्रेंड के रूप में उनके साथ रहना चाहिए। और बच्चों, अब इनके जो कीवर्ड्स हैं और इनकी बैक एक्सरसाइजेस हैं जो, वो आपको पीडीएफ फाइल के रूप में भेज दी जाएगी। ये देखिए, ये एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। आप बच्चों ने अपने अपने कॉपियों में ये काम नीट एंड क्लीन करना है। होम टास्क है क्लास फिफ्थ के लिए, लेसन नंबर 2, 2 फ्रॉग्स, 2 मेंढक। बच्चों, इसमें क्या है, 2 फ्रॉग, एक का नाम पाला और उसकी वाइफ का नाम बीरू, दोनों ही तालाब के किनारे एक गांव में रहते थे। वो गांव हरा भरा था, लेकिन टाइम के साथ वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, जिसकी वजह से वो पहले जैसा नहीं रहा। पाला बहुत खुश था कि वहां पर बहुत तरक्की हो रही है गांव में, और वो अपनी वाइफ को बोलता है, देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, हमारे गांव ने कितनी तरक्की कर ली है। इस पर बीरू बोलती है कि कैसी तरक्की, लोगों ने घर तो सुंदर बना लिए हैं, सुविधाएं भी उनके पास सारी हैं, लेकिन वो उन सुविधाओं को अच्छे से यूज नहीं कर रही हैं। इस पर पाला बोलता है कि तुम कैसी बात कर रही हो। तो बीरू कहती है कि ये लोग खुले में ही शौच चले जाते हैं, और ये लोग हमारे घर के पास ही शौच करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत बदबू आती है।
तो पाला पूछता है कि इसमें तुम्हें क्या झिझक है। तो बीरू बोलती है कि इससे डिसीजेज बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे डायरिया और इन्फेक्शन की वजह से मारे गए हैं। तो इस पर उसको पाला पूछता है तो फिर तुम क्या करोगी। तो अब जो है बीरू कहती है कि मैं इस गांव के हर एक पर्सन को समझाऊंगी, उनको अवेयर करूंगी कि हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इस पर जो पाला है वो कहता है हाँ, हमें इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें लोगों को जल्द से जल्द इसके बारे में बताना चाहिए। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं क्योंकि वो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ चुके थे। तो बच्चों, इस स्टोरी में आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। तो बच्चों, इस तुम्हारी ग्लोसरी है और क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज है, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। आपको इसकी सोल्यूशन जो है बैक एक्सरसाइजेस के, वो आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिए जाएंगे। आपको आपका जो है होम टास्क दे दिया जाएगा, आपने नीट एंड क्लीन ये काम कर लेना है। और अब मैं श्री विनय कुमार झा जी, IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी छत्र छाया में नोबल फाउंडेशन दिन रात मेहनत करने में जुटा हुआ है। मैं श्री राजेंद्र शर्मा जी, फाउंडर नोबल फाउंडेशन का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस लॉकडाउन में भी बच्चों की पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दी। और अंत में मैं नोबल फाउंडेशन के सभी दानी सज्जनों का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।